मुंबई से सटे थाने में ट्रैफिक का जागरूक अभियान चलाया गया जिससे बढ़ते ट्रैफिक का कंट्रोल किया जा सके। इस समस्या से निपटने के लिए आज थाने के डीसीपी अमित काले व मराठी कलाकार संतोष जुवेकर ने मिलकर यह अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए ढोल नगाड़े बाजे के साथ थाने के तीन हाथ नाके सिग्नल पर बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार लोगों को सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट पहनने और जीवन को दुर्घटना से बचाने के लिए सलाह भी दी गई। साथ में चाबी का छल्ला भी दिया गया और लोगों से कहा गया कि सिग्नल ना तोड़े, कानून का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। नो एंट्री में गाड़ी ना चलाएं, बिना हेलमेट सीट बेल्ट लगाएं जिससे दुर्घटना में बचने में मदद मिले। और डीसीपी अमित काले ने सभी से अनुरोध किया कि वह हर ट्रैफिक अधिकारी के साथ सहयोग करें। पिछले 3-4 महीने से हमने टैप ए ब्रांड नेम के अंडर में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया थाने ट्रैफिक पुलिस ने, जिसमें हमने स्कूल और कॉलेज में काफ़ी इंडोर प्रोग्राम्स लिए, जिसमें लोगों को हम और बच्चों को, स्पेशली स्कूल के बच्चों को जो फ्यूचर राइडर्स है और कॉलेज के बच्चे जो करंट रूल वायलेटर्स है, उनको हमने टारगेट किया कि जो उनको हम ट्रैफिक अवेयरनेस का एक लिटरेसी उनके अंदर हम निर्माण कर सके। ये इंडोर एक्टिविटी के बाद आज हमने एक्टर संतोष जुवेकर के साथ और सिग्नल पे एक रोड एक्टिविटी की है, जिसमें जो लोग रोल नियमों का भंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों को हमने ढोल ताशों के साथ पहले नगाड़ा पिट के सब लोगों का अट्रैक्शन किया उनके खिलाफ, उनके तरफ। और जब उनको गिल्ट का एक जो फीलिंग आया उसको लेते हुए उन्होंने प्रॉमिस किया कि इसके बाद मैं सब ट्रैफिक रूल फॉलो करूंगा। और एज अ फाइन हमने उन्हें किचन दिया जो हमेशा उनके साथ रहेगा, जिसमें लिखा है कि आई प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। इस टाइप की एक्टिविटी हमने आज की है, इसी टाइप की एक्टिविटीज हम आगे फ्यूचर में भी करेंगे। क्लासरूम में जाके, इंडोर में, हॉल में लोगों का प्रबोधन करना और रोड के ऊपर एक गांधीगिरी के माध्यम से लोगों का प्रबोधन करना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ हमने स्टार्ट की है। अगले महीने भी जो हमारा आरएसपी का इवेंट स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, जो रोड सेफ्टी पेट्रोल होता है, उसमें भी हम टैप ए ब्रांड नेम के अंडर में काफ़ी एक्टिविटीज़ लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो खुद से होकर ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इतर बाकी लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कंपल्स करें। तो इस टाइप सभी टाइप की एक्टिविटीज़ हम थाने ट्रैफिक पुलिस टैप इस ब्रांड नेम के नीचे एक्टर संतोष जुवेकर के साथ सामने लेके आने वाले हैं। सर, आज दूसरी ही मुहिम देखा जाएगा तो लेडीज स्पेशल स्क्वाड और पहले जेंट्स स्क्वाड, इससे मिला के सिविल पे जो कार्रवाई कर रहे हैं रिक्शा के भाड़े के ऊपर और रिक्शा जो है किस तरह से कार्रवाई है और कितनी कार्रवाई अब तक की गई। पिछले कई दिनों से रिक्शा वालों के मनमानी के खिलाफ हमारे पास लोगों की कंप्लेंट आ रही थी, जिसमें रिक्शा वाले अगर नज़दीक जाना है तो अपना फेयर रिजेक्ट करते हैं, अगर उनको दूर जाना है तो मीटर से ना चलते हुए ज़्यादा पैसे का डिमांड करते हैं। तो हमने एक सिविल ड्रेस में स्क्वाड बनाया, जिसमें जेंट्स और फीमेल, हमारी लेडीज़ कॉन्स्टेबल, ऐसे दोनों कॉन्स्टेबल उसमें है, एक ऑफिसर उसमें है जो सिविल ड्रेस में एज अ कस्टमर करके रिक्शा में बैठता है। जब कोई रिक्शा वाला फेयर को रिजेक्ट करता है तो उसको वहीं पे हम चालान करते हैं। पिछले 8 से 10 दिनों में हमने टोटल 634 केसेस किए हैं, जिसमें हमने 1,17,800 रुपीस का फाइन अभी तक कलेक्ट किया है। अभी सभी रिक्शा वालों के पास मेरा आपके थ्रू ऐसा बोलना रहेगा कि उन्हें पता चलना चाहिए कि कौन कस्टमर पुलिस है और कौन सा कस्टमर नॉर्मल है, ये उन्हें आइडेंटिफाई नहीं होगा। हर कस्टमर पुलिस ही हो सकता है, ये उन्होंने ध्यान में रखना है, और कोई भी मनमानी ना करते हुए जो नियम बने हैं, जो कानून बना है, उस हिसाब से लोगों को अपनी सुविधा मुहैया करे जाए, ये हमारा टारगेट है। टैप थाने ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके अंतर्गत हमने ये एक्टिविटी शुरुआत की है, जो हम लोगों से जाके उनसे समझा के उनको समझा रहे हैं कि बाबा ये आपने जो रूल ब्रेक कर रहे हैं वो रूल ब्रेक ना करें, आप सपोर्ट करें ट्रैफिक पुलिस को, और ये समझाने की कोशिश की है। ये तो एक्टिविटी पहली एक्टिविटी है, लेकिन ये पहली एक्टिविटी हमेशा, ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा होती रहेगी बीच बीच में कभी भी। तो मैं चाहता हूँ कि अगला नंबर आपका ना हो, तो इसलिए प्लीज़ सावधान रहे और रूल ब्रेक ना करें। आज तो समझाया गया कि आप सिर्फ अपनी गलती मान लें और आगे से आप ये नहीं करेंगे, रूल ब्रेक नहीं करेंगे, इसका प्रॉमिस लिया गया है। बस वो मैं चाहता हूँ कि वो अपने प्रॉमिस पे खड़े उतरे सभी लोग और हम सब मिलकर सपोर्ट करें। और मैं दरख्वास्त करूँगा डीसीपी साहब को कि आप प्लीज़ अपने सब कॉन्स्टेबल्स, अपनी टीम को एक पावर दे दें कि वो जब किसी को पकड़ा जाता है तो कोई आके थोड़ा सा ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा एडवांस और ज़्यादा जाति करता है अपने कॉन्स्टेबल के साथ, और जो लोग कानून में हाथ लेते हैं अपने कॉन्स्टेबल, उन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा सभी नेता, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कि प्लीज़ कोई भी आपको फ़ोन करे कि साहब मेरे को पकड़ा है, मेरे को छोड़ने के लिए बोल दीजिए, तो प्लीज़ वो फ़ोन कट कर दीजिए, आप खुद कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए ट्रैफिक को, ट्रैफिक पुलिस को। आप हमारे खबरों को लगातार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकॉन के साथ।